ममता सरकार में पुलिस की बेबसी की एक और कहानी सामने आई है, एक और तस्वीर सामने आई है। नदिया में पुलिस को बेरहमी से पीटने का वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गुंडों ने कांस्टेबल को बुरी तरह से पीटा, ये देखिए बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कोलकाता पुलिस का एक कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती है, उसकी इस कदर पिटाई की गई है। पंचायत चुनाव में डिस्टर्बेंस फैलाने का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की गई। तस्वीरें आप देखिए एक कांस्टेबल को किस तरह से कुछ लोग बुरी तरह से घेर लेते हैं और फिर उसकी जमकर पिटाई की जाती है। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, नदिया की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कानून व्यवस्था का आलम है क्या इस पूरे रीजन में? क्या जानकारी मिल पाई है, क्या हालत है अब इस कांस्टेबल की? राजू दास का नदिया में था, जब रिपोलिंग हो रहा था तो तब ऐसा घटना सिचुएशन क्रिएट हुआ कि वहां पे जो गुंडे थे वो इलेक्शन को छेड़छाड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। ये वीडियो आज वायरल हुआ है, आज सक्सेस हुआ है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल जो का नाम राजू दास है उसको बुरी तरह पीटा जा रहा है। जिन लोगों को रोकने की कोशिश किए थे वो लोग वहाँ के गुंडे थे, वो इलेक्शन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। महिला के आड़ में ये कांस्टेबल जो है अपना सुरक्षा करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसको बुरी तरह पीटा गया। हॉस्पिटल में भर्ती है, काफी गंभीर रूप से घायल है। और अगर आप विजुअल देखेंगे तो देखेंगे रॉड और लाठी से उसके सर में बदन के और एक और जगह में उसको मारा पीटा जा रहा है। तो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। आज जब पंचायत चुनाव के रिजल्ट, चुनाव के नतीजे जब बाहर आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे अभी भी बैलेट बॉक्स छीनना, बमबाजी, सब कुछ चल रहा है लगातार। ये उसके सिलसिले प्रसारण सिलसिले चल रहे हैं और वहाँ पे सांसद को भी आप एक विजुअल हमारा चैनल में हम कुछ देर में दिखाएंगे। सांसद को पुलिस उठा के लेके जा रहे हैं अपना कंधे पे सेव करने के लिए पुलिस के साथ, जब उनका सिक्योरिटी गार्ड का झड़प हो रही है। जगन्नाथ सरकार जो की ठीक है उसको किस तरह उठा के। शुक्रिया रवि आपका इस ताजा जानकारी का के लिए। और जो अपडेट रवि दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त दे रहे हैं ग्राउंड से, वो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक हालात पश्चिम बंगाल में किस तरह से बने हुए हैं चुनावों के दौरान, ये साफ तौर पर बयां करते हैं।